हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है D4 ऑफ वन वीक ट्रांसफॉर्मेशन। पहले 3 दिन तो इजी चले गए, तो भी कल 300 पुशअप किए तो भी थोड़ा थकने हुआ था। आज से तो अभी 100 100 बढ़ता जाएगा, तो आज हम लोग करेंगे 400 पुशअप्स, 400 स्क्वाट्स, और कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पता है इसमें पूरा ताकत ख़त्म होने वाला है। पर मैंने मतलब रियलाइज़ किया है कि स्टार्टिंग में पूरा पुशअप्स करके बाद में स्क्वाट्स के लिए ताकत ही नहीं बचता। तो आज हम क्या करेंगे कि पुशअप्स करेंगे और उतने ही स्क्वाट्स करेंगे, मतलब अल्टरनेट करते रहेंगे, ताकि एंड तक दोनों को थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिलता रहे और दोनों कंप्लीट भी हों। तो सबसे पहले आज योगा से स्टार्ट करते हैं, और योगा बहुत इंपॉर्टेंट है आज करने के लिए, क्योंकि आपका वो मेंटल स्ट्रेस क्या बोलते हैं, एक स्टेट में पहुंचना बहुत ज़रूरी है जब आप ऐसे बिग टास्क लेते हैं। क्योंकि पता है, मुझे पता है कि मेरा फिजिकल मतलब बाउंड्री उतना नहीं है अभी तक कि मैं 400 पुशअप्स कर पाऊँ, पर हमें करना है। तो उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो योगा से ही होगा। सो हम लोग पहले योगा करते, थोड़ा पीसफुल होते और बाद में स्टार्ट करेंगे। सुबह के ब्रेकफास्ट में 300 ml दूध है, 1 glass, और 2 केला है। तो बेसिकली आज 1 केला कम है, घर में था ही नहीं, इसलिए कम, और ज़्यादा एक्सरसाइज भी करना है तो कम ही खाएंगे थोड़ा। टाइम है वर्कआउट स्टार्ट करने का, बस अभी खुद पे विश्वास रखना है और स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते 400 पुशअप्स, 400 स्क्वाट्स। पूरा हालत टाइट होने वाला है, पर इसमें ही मजा है, आपको बॉडी के लिमिट समझ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो पुशअप की ये पहले सेट में, तो अभी अल्टरनेट उसके स्क्वाट्स भी मारेंगे, जितना पुशअप्स किए उतने ही स्क्वाट्स मारने की ट्राई करेंगे वापस, उसके बाद पुशअप। वेल स्पॉट स्टार्ट करते हैं अभी वापिस। जब भी कोई भी आप बड़ा वाला टास्क लेते हो ना, तो थोड़ा बीच में ब्रेक होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने कैसे डिसाइड किया, एवरी 100 काउंट्स के बाद थोड़ा 10 मिनट ब्रेक लूँगा, वापस स्टार्ट करूँगा। सो कैसे 400 तक थोड़ा तो एनर्जी बचा रहे, नहीं तो 200 250 तक ही एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें पूरा कंजर्व करके रखना है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। सो अभी मेरे 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स हो गए, तो इसके बाद 5 10 मिनट रुकूँगा, वापिस स्टार्ट। अभी जाके हाफ कंप्लीट हुआ है, 200 पुशअप्स 200 स्क्वाट्स हुआ है, और हाफ करना है, हालत होने वाली है। और ये हाफ करते करते 45-50 मिनट्स हो गए, और 1 घंटा लगने वाला, मुझे लगता है ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि अभी ना थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा है प्रोसेस, पर करेंगे हम लोग 400 कंप्लीट ज़रूर करेंगे। थ्री हंड्रेड पुशअप्स हो गए, 300 स्क्वाट्स हो गए, लास्ट के 100 है, और जो भर के आया है ना अभी, सांस भी फूल रहा है, मतलब मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ तो भी
लास्ट 100 करते कंप्लीट। लास्ट 20 पुशअप्स है, उसके बाद लास्ट 20 स्क्वाट्स है। पर मतलब ये अभी हाथ रखने पे मेरे को ना शेक हो रहा है पूरा हाथ। ट्राई करते पुशअप्स हो गए, नाउ स्क्वाट्स। फाइनली कंप्लीट हो गया, मज़ा आ गया। मज़ा अभी पूरा मस्त पंप हुआ है, हार्ट बीट बढ़ गया है, चक्कर भी आना थोड़ा चालू हो गया। मतलब कोई नहीं, पर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया 400 पुशअप्स और 400 स्क्वाट्स। आप बॉडी का कंडीशन देख सकते हो, छाती मस्त पंप हुआ है, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन प्लस ट्राइसेप भी। मतलब पुशअप के टाइम ट्राइसेप पे भी आता है, शोल्डर पे इतना नहीं आता है। शोल्डर के लिए प्रॉपर अलग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पर जो भी है अच्छा पंप हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हमारा फिक्स है 2 स्कूप मास गेनर है, उसके साथ पेज भात मतलब बॉइल्ड राइस उसके वाटर के साथ, ताकि हमारा मतलब जितना अभी सब एनर्जी यूज़ हुआ है वो इसमें से थोड़ा मिल सके। अभी टाइम है दोपहर के लंच का, और लंच में मैं चपाती फिर मटर का सब्जी जो है वो ग्रेवी टाइप में, और उसके बाद रेडिश का मूड़ा बोलते हैं मराठे में उसका सब्जी। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और थोड़ा टेस्ट के लिए फिर ये तीखा हो जाए वो भी अच्छा है। इट्स इवनिंग टाइम, तो इवनिंग में हम क्रिसमस का केक है मेरे पास तो वो खाऊंगा, और उसके साथ प्रोटीन के लिए चना जो रहता है काला चना वो कुकर में लगा के निकाला है, तो उसके पानी के साथ, क्योंकि इसका जब आप बॉईल करते हैं उसको तो पूरा बहुत सारे ये उसके वाइटामिन और पानी में उतर जाते, तो ये पानी पीना बहुत ज़रूरी है, सो पानी के साथ हम लोग खाएँगे। डिनर में आज हम लोग का मतलब वही मटर का थोड़ा ग्रेवी है, उसके साथ राइस है, और दोपहर का ये सब्जी है रेडिश का मूड़ा का, और उसके साथ अपना पीठी है। नॉर्मली हम लोग के इधर ये करते रात के खाने के लिए, लाइट खाने के लिए। पूरे दिन का मतलब मैं एक एप्स भी मारने वाला था, पर इतना ताकत ही नहीं था कि कर सकूँ, और काम भी थोड़ा था इसलिए नहीं कर पाया, पर ये करना इम्पोर्टेंट था, पर आज मिस कर दिया, कल कर लेंगे। पर बेसिकली ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी का मेन गोल यही है कि थोड़ा वेट बढ़ाना है, पर वो फैट में ना बढ़े, मस्कुलर ज़्यादा हो, इसलिए एक्सट्रीम हम करते जा रहे हैं। आज 400 पुशअप्स किए और 400 स्क्वाट्स किए, कल 500 करना है। पर जो मज़ा आ रहा है ना अभी, जो मतलब अपना इसके पहले मैं कभी 100 के ऊपर पुशअप्स किए नहीं थे, पर ऑब्वियसली उसके बाद जिम भी करता तो वो बात अलग, पर एक ही स्ट्रेच में इतना करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आज 400 हो गए, कल हम लोग 500 करेंगे, 500 पुशअप्स एंड 500 स्क्वाट्स। पर आपको सच बोलूँ, सिर्फ जो पुशअप मार रहे हैं ना उससे चेस्ट में ही पेन हो रहा है, पर लेग्स में इतना कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि 25-25 का मैं सेट्स कर रहा हूँ, सो इतना कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है लेग्स पे, और उसको आराम से आराम भी मिल रहा है। पर
ग्रो भी उतना ही करेगा, उतना स्ट्रेनस वर्क का आदत भी होगा, लॉन्ग टर्म वर्क के लिए आदत होगा, तो वो अच्छी बात है। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको ये पसंद आया होगा और आप भी ट्राई करेंगे ऐसा कुछ करने के लिए। ये देखो मैं जिम नहीं जा रहा आज अभी, क्योंकि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है, इसलिए जिम जाके फ़ायदा नहीं 10 दिन के लिए, इसलिए मैं घर पे ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अगर मैं घर पे करके एक्सरसाइज करके ये कर सकता हूँ तो आप भी कर ही सकते। थोड़ा आलस साइड में रखिए और ट्राई कीजिए कि आप भी स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट करना ही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी का तो हो जाता है। चलो आप भी ट्राई करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं डे 5 में।